ये बताइए आप कितने घंटे पढ़ा करते थे? आप बताइए कि जब आपने पढ़ाई की तो कितने घंटे करीब आपको लगता है कि पढ़ना चाहिए, और कुछ अपने शेड्यूल के बारे में बताएंगे कि जैसे सुबह से शाम तक जो है वो आप किस। मैं फाइनल सेमेस्टर में था तो तभी से स्टार्ट किया था तैयारी, तो मतलब ये था कि पहले बेसिक बुक्स ख़त्म करने हैं, न्यूज़पेपर पढ़ने की हैबिट डालनी है, तो वो बहुत इम्पोर्टेंट ये था कि शुरुआत में टाइम ऐसे वेस्ट हो जाता था, इम्पोर्टेंट न्यूज़ नहीं मिलते थे, तो वो 2 महीने में वो हैबिट डेवलप हुआ कि विद इन एन आवर आप पढ़ पाए। एंड फिर बेसिक बुक्स एक बार ख़त्म हुए तो फिर वैल्यू एडिशन पे आया कि हाँ कैसे वैल्यू एडिशन करना है, और चूंकि मैंने काफ़ी सारे टॉपर्स के वीडियोस में रेगुलरली देखता था तो फिर ये समझ में आया कि टेस्ट सीरीज काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो आंसर राइटिंग भी। तो शुरुआत से ही मैंने आंसर राइटिंग करना स्टार्ट कर दिया था, मतलब 2 महीने के प्रिपरेशन के बाद से ही, एंड टेस्ट सीरीज भी स्टार्ट कर दिया था, तो मुझे लगता है कि वो थोड़ा हेल्पफुल रहा कि ये मैं स्टार्ट नहीं करना शुरू किया। एंड ऑप्शनल का फिर किया मैं, 6 महीने लग गए ऑप्शनल करने में क्योंकि काफ़ी डेप्थ में करना होता है, एंड ऑप्शनल एक बार ख़त्म हुआ तो फिर जीएस और ऑप्शनल को फिर मिक्स करके पढ़ाई स्टार्ट की। रिवीजन स्ट्रेटजी बनाया कि 3 फेज में रिवीजन करना है, एंड फिर बेसिक बुक्स का रिवीजन किया, फिर जो मुझे लगता है कि जो मुझे अलग किया प्री में, क्योंकि मेरी तैयारी उतनी अच्छी नहीं थी स्टार्ट में, तो मैंने ये किया कि मैंने एक शेड्यूल बना लिया टेस्ट देने का, एंड फिर उसके अकॉर्डिंग अगर तैयारी हो या ना हो उसके अकॉर्डिंग मैं टेस्ट देते गया, और फिर अकॉर्डिंगली उसे रिवाइज भी करता था जहाँ पे मैं परफॉर्म अच्छे से नहीं करता था। एंड प्री के लिए एक और चीज़ मैंने जो किया कि अलग से जैसे वेबसाइट पे जाना हो, जैसे UNFCCC के वेबसाइट पे जाना हो या ईयर एंड रिव्यू देखना हो मिनिस्ट्रीज के, इन्वायरमेंट के लिए गूगल करना हो, मैप्स वगैरह रेफर किया, तो ये सारे मतलब कंटिन्यूस प्रोसेस था, और वो धीरे धीरे इवॉल्व करके फिर धीरे धीरे मार्क्स इंप्रूव हुआ, फिर कॉन्फिडेंस भी आया कि हाँ चलो ये एग्जाम क्रैक किया जाता स्टार्ट की। और जैसे ही प्री खत्म हुआ मैंने ब्रेक नहीं लिया, एक भी दिन का ब्रेक नहीं लिया, क्योंकि कॉन्फिडेंट था कि मैं क्लियर कर जाऊंगा, तो 3 जून से ही मैंने तैयारी स्टार्ट की, एंड एक शेड्यूल बनाया जैसे मैंने बताया। एंड मेंस में ये इम्पॉर्टेंट है कि आपके पास पॉइंट्स हों आंसर में लिखने के लिए, तो मैंने ऐसे शॉर्ट नोट्स बनाने स्टार्ट किए हर एक पेपर के लिए, सब करके एक क्रिस्प नोट्स बनाते गया, मतलब वो एक दिन में नहीं होता है, वो धीरे धीरे करके जो 3 महीने का ड्यूरेशन होता है उसमें वो मेरे पॉइंट्स ऐड होते चले गए, तो फिर वो एंड में वो रिविजन के लिए भी हेल्पफुल होता है, एंड आंसर को दूसरों से अलग। एक चीज मुझे आप ये बताइए कि आप कितने घंटे पढ़ा करते थे? आप बताइए कि जब आपने पढ़ाई की तो कितने घंटे करीब आपको लगता है कि पढ़ना चाहिए, और कुछ अपने शेड्यूल के बारे में बताएंगे कि जैसे सुबह से शाम तक जो है वो आप किस तरीके का शेड्यूल फॉलो करते थे? एक कॉमन शेड्यूल नहीं रहा मेरे ये 2 साल के प्रिपरेशन में। स्टार्ट में मैं काफ़ी मतलब ऐसा था कि आवर्स पुराने हैं, सो 12 आवर्स भी मुझे कम लगते थे स्टार्ट में। एक महीने तक ऐसे किया कि फिर हेल्थ डिटोरेट होने लगा फिर मेरा, तो फिर ये ध्यान आया कि नहीं मतलब जितना बॉडी अलाउ करता है उतना पढ़ना पड़ेगा, तो फिर मैंने क्या किया कि टॉपिक वाइज फिर थोड़े ये बना लिया कि इसको अचीव करना है इस मंथ में, एंड फिर वैसे पढ़ना स्टार्ट किया। बट प्री से 2 महीने पहले से काफ़ी मतलब काफ़ी ज़्यादा पढ़ना पड़ रहा था, एंड मेंस में भी फिर ऐसा होता था कि 7 AM मैंने लाइब्रेरी ज्वाइन करके रखा था, तो 7 बजे के अराउंड मैं लाइब्रेरी पहुँचता था, फिर रात के 10 बजे वापस आता था, खाना वगैरह भी वहीं खाता था, क्योंकि मुझे पता था कि मुझे पता था कि मुझे ज़्यादा एफर्ट डालना है, क्योंकि मेरे प्रिपरेशन उतनी अच्छी नहीं थे, तो मैंने फिर मेंस प्री के जस्ट बाद से फिर एकदम स्ट्रिक्ट डेडलाइन किया। और इसमें मैं बताना चाहूँगा कि मेरा रूम पार्टनर जो था, हम दोनों ने एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट किया, एंड उसका भी लिस्ट में नाम है 404 रैंक कुमार निशान, तो हम लोगों ने मिलके फिर कॉमन ऐसा कुछ टाइमलाइन बनाया कि हाँ इतने बजे से इतने बजे पढ़ना है, और फिर एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हुए तैयारी की।
हाँ ये तो मैंने देखा, ये बहुत ज्यादा फायदेमंद रहता है अगर हम लोग एक ग्रुप में तैयारी करें और एक दूसरे का हौसला बढ़ाते रहें, क्योंकि कई बार क्या होता है कि जो है हौसला कई बार डाउन होने लगता है, और अगर दोस्त अच्छे हों और सब एक दूसरे का हौसला बढ़ाएं तो नेचुरली आपका एक मोटिवेशन बना रहता है। लिमिट करने हैं क्योंकि पढ़ने के लिए मार्केट में काफी सारे बुक्स एंड पीडीएफ आपको मिल जाएंगे। तो एक स्ट्रैटेजी बनाया, फिक्स स्ट्रैटेजी नहीं था, मैंने अपडेट भी किया उस स्ट्रैटेजी को, एंड ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों सोर्सेज पे रिलाई किया। बट मुझे जब ये लगता था कि ये टॉपिक, मैं टॉपिक देखता था जो यूपीएससी का सिलेबस है, एंड उसमें देखता था कि मेरे 5 पॉइंट्स हैं कि नहीं, या उसमें कुछ वैल्यू एडिशन वाला चीज़ है कि नहीं, तो जिसमें कमी होता था उस चीज को मैं गूगल करता था या उसके बारे में खोजता था, एंड उसको फिर मैं पूरा करता था। ऐसा नहीं कि पूरा बुक्स पढ़ रहा, मैंने एक भी किताब ऐसे 100% नहीं पढ़ी। जो सिलेबस देखा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखे, जो इम्पोर्टेंट लगा उसको मैं निकाला, एंड वो दिमाग में रखा कि जब मैं तैयारी कर रहा हूँ तो वो रिविजन कैसे मैं कर पाऊंगा, तो वो बैक ऑफ माइंड में हमेशा से रहा। तो उस वजह से मैंने मतलब कम से कम एंड मैक्सिमम रिजल्ट के ध्यान दिया कि आंसर में कितना मैं रिप्रोड्यूस कर पाऊँ, तो उस पर ध्यान ज्यादा था। हाँ मतलब कहने का मतलब ये है कि हमें हर चीज जो है वो बराबर बराबर वेटेज नहीं देनी चाहिए, कोशिश ये नहीं करनी चाहिए कि क्वांटिटी इज इक्वल टू क्वालिटी, ऐसा नहीं है। क्वालिटी पे फोकस ज्यादा होना चाहिए और क्वांटिटी हमें बैलेंस बिल्कुल करके रखनी चाहिए, क्योंकि ज्यादा कई बार बहुत सारे सिविल सर्विसेज के जो एस्पिरेंट्स होते हैं वो इतना ज्यादा पढ़ने की कोशिश करते हैं कि उसके चक्कर में फिर क्या होता है, वो पूरा ही नहीं कर पाते सिलेबस। मेरे ख्याल से बहुत अच्छी स्ट्रेटजी।